Hey, what's up guys? My name is Kabir and you are watching my channel Technical Bits. आपको तो guys पता ही है कि आज के जमाने में जितनी भी Android Smart TV आती हैं, उनके अंदर आपको Smart Remote भी देखने को मिल जाता है। उस Remote में आपको Netflix का बटन, Prime का बटन और एक Voice का बटन देखने को मिल जाता है। यानी उस Voice को बटन के दबा के आप जो भी कमांड दोगे वो TV में जाके ऑपरेट होगा। लेकिन ऐसी कई Android TV हैं जिनमें आपको Voice का बटन देखने को नहीं मिलता है, तो उन बंदों को काफ़ी दिक्कत आती है। YouTube में कोई चीज़ भी सर्च करनी हो तो उनको एक एक वर्ड टाइप करना पड़ता है रिमोट के बटन के अप डाउन लेफ्ट और राइट बटन दबा के। इसमें उनका काफी समय लगता है और काफी सर्च करने में टाइम भी लग जाता है और मेहनत भी लगती है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के रिमोट में वॉइस का बटन नहीं है, यानी वॉइस का फीचर नहीं है आपके रिमोट के अंदर, तो आप अपने स्मार्टफोन का माइक को यूज कर सकते हो अपने टीवी के लिए। यानी आप अपने स्मार्टफोन के माइक में बोलोगे और वो चीज ऑपरेट होगी आपके टीवी में। आपको यूट्यूब सर्च में या कहीं भी सर्च करने में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली वॉइस का बटन दबा के सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो अपनी टीवी के अंदर। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे ये सब करना है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको अपने स्मार्टफोन के माइक को अपनी टीवी में यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए। देन उसके बाद आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर में जाना है। उसके बाद टाइप करना है एंड्रॉयड टीवी रिमोट। आपको जो लिंक दिख रही है ये गूगल वाली, गूगल LLC एंड्रॉयड टीवी रिमोट, इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर। फिर उसके बाद ओपन करना है। आपको ऐप ओपन कर लेना, उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जो परमिशन मांग रहा है उसको अलाउ कर देना है। आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखा रहा होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपका टीवी और स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका टीवी ऐप में शो होगा। देखिए मेरा टीवी ऐप में शो हो रहा है। सिंपली आपको उस पर टैप करना है, देन आपकी टीवी पे एक कोड शो होगा। उस कोड को इस ऐप में जो मांग रहा है उसके अंदर इंटर कर देना है और पेयर पे क्लिक कर देना है। जब आप पेयर पे क्लिक कर दोगे तो ये ऐप आपके टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट टॉप में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डी पैड और टच का। टच से भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहो तो डी पैड भी यूज़ कर सकते हो। मैं डी पैड यूज़ करूँगा क्योंकि ये इजी रहता है नेविगेट करने में। तो इस तरीके से मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप अपने माइक को अपनी टीवी में यूज़ कर पाओगे, अपने स्मार्टफोन के माइक को अपनी टीवी में यूज़ कर पाओगे अगर आपके रिमोट में माइक नहीं है तो। मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन के माइक से अपनी टीवी को ऑपरेट कर पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है आपके रिमोट के अंदर माइक हो या आपका रिमोट का माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आप आराम से यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्टफोन का माइक को अपने टीवी के अंदर। गाइज, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो आज गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।